अब जरा इस सवाल को देखें, बोलता क्या है कि इफ ए बी सी आर रियल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू अंडर द ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी। देखिए ये सब मैथ जो एक टाइप है, और ये मैं तो बोलूंगा कि एसएससी टाइप्स हैं। देखिए इसके नीचे कितने सारे, कितनी बार आ चुका है ये सवाल, इस तरह के सवाल बार बार रिपीट होते हैं, आप जान लेंगे। तो पहले एक चीज, इसमें जब सवाल को हल करने जाएंगे हल्के से तिरछी नजर देख लीजिए, पहले ब्रैकेट को हटाइए और इसको हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, चूंकि ब्रैकेट हमने हटा दिया, टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस थ्री। अब एक काम करते हैं, ये सारे को हम सामने लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी प्लस वन प्लस वन प्लस वन। हाँ, ये तीन जो था, तीन को प्लस थ्री लिख के मेरे को एक स्टेप नहीं करने के लिए, मैंने एक ही स्टेप में कर डाला, तीन को भी एक 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 में तोड़ डाला। और जब हमने यहां से उठा के लाए थे, देखिए ए स्क्वायर, उसके बाद मैंने टू माइनस टू ए, चूंकि इधर प्लस था तो माइनस टू ए लिखा, फिर प्लस बी स्क्वायर लिखा, प्लस टू बी लिखा, प्लस सी स्क्वायर लिखा, प्लस टू सी लिखा, फिर एक को वन प्लस वन प्लस वन में तोड़ दिया, जानबूझ के थोड़ा सा अरेंज कर लिया कि फटाफट हो जाए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए, और इधर जो प्लस वन था उस प्लस वन को सामने लेके आ गया, तो वह उसको ब्रैकेट में घेर दिया, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन क्या कहता है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर।